मेक मोर व्लॉग्स। वेल आई हर्ड यू गाइस आर सेइंग दिस, पर तू मेरी कहानी सुनना भाई। किसी मजबूत लौंडे ने कहा है, यू हैव टू डाई 1000 टाइम्स बिफोर यू एक्चुअली लिव। दिस व्लॉग इज माई 2 AM चिल। ये हर लौंडे की कहानी है लड़के। हमेशा मेरी नानी कहती हैं कि रात को शरीफ लोग घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन मेरी नानी को कौन समझाए कि बात अगर अंदाज अपना अपना देखने की हो और साथ में खाना ना हो तो एक मदहोश कहानी हूँ मैं, एक खामोश हरामी हूँ मैं। हाँ टांग पीछे कर, उतर 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 उतर। मजा नहीं होता दूसरे चीज। अपने घर से गाइड लिया, प्लान बी कर। प्लान बी इज टू लुक कूल। एक्चुअली या वी रियली लुक कूल, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कहानी सुनाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, टू लेट देम नो कि उसके बाप को पता था हाउ टू लिव दिस फकिंग लाइफ। क्योंकि सिंपल है, बॉडी होगी तुम्हारी, मेरे बाप के पास तो बुलान है। अबे तुम्हारा लॉक तो हाथ में आ गया, पकड़ के बढ़िया। क्या लो? बाप से पूछकर उसकी गाड़ी निकालना किसी बेटे को मना नहीं है, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के पूछो तो बता के जाने में मजा भी नहीं है। बंद है पक्का? आधा घंटा दुकानें ढूंढने के बाद हमें एक टक शॉप मिली, जिसको हमारे भूख की कदर थी और हमें उसके खुले होने की खुशी। तो हसन, दानियाल और मैंने भूख के एक्साइटमेंट में वहाँ से सारा सामान उठा लिया, पर यह खुशी वहाँ के पंप वाले से ज़्यादा देखी नहीं गई। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक इफ आई से योर बॉयज लुक कूल बट ब्रोज वी रैन आउट ऑफ फ्यूल? लेकिन स्वैग देख रहे हो तुम लड़के? नहीं है। मेरे बाप की नींद में आती हुई हिचकियों ने हमें बता दिया जो हमें ऑलरेडी पता था, केस गाड़ी में घर तक का पेट्रोल नहीं है बाबू। But as I told you, you have to die 1000 times. Before you actually live. Now this is what we came for. ये 200 फीट ऊंची पानी की टंकी है जहां पर हमारा पेट्रोल खत्म हुआ था। हमारा कल हमें कहां ले जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रवीना आमिर को मिलेगी या सलमान को ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अंदाज अपना अपना। दिस व्लॉग इज माई 2 AM चिल। मैंने कहा था ना, ये हर लौंडे की कहानी है लड़के।